बिजली टूटा हो तारू दिलवा पो हमारा हो। तो हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो फाइनली देख सकते हैं, आज से फिर हम आए हैं दोबारा मक्का पटवन करने, क्योंकि मक्का पटवन का जो खेती है तो कम से कम 4 बार उसमें पानी पटवन करना पड़ता है। ये अप्रैल मई के सीज़न में अगर एक बार धूराझार बारिश हो जाए तो दोबारा पटवन नहीं करना पड़ता, 3 बार ही, लेकिन अगर बारिश नहीं हुआ तो 4 बार। धूप देख सकते हैं कितना एकदम तगड़ा धूप है, धूप से पूरे शरीर देख सकते हैं फेस का कलर चेंज हो गया। तो साइड में देख सकते हैं ये मशीन, ये नदी, सॉरी नदी है, रिवर देख सकते हैं कितना बड़ा है, वो देख सकते हैं चल रही है। और वहाँ देख रहे हैं मशीन जो लगा हुआ वो दूसरे का मशीन है, दूसरा जगह था वो अपना मशीन से ही पटवी हुआ था, लेकिन यहाँ जो है दूसरा का मशीन लगा हुआ है, उसके साथ पानी पटवन करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज दिखाएंगे दोबारा कि किस तरह से हम लोग पानी पटवन करते हैं फुल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते जैसे कि देखें आप किस तरह से मशीन चल रहा है और पाइप के सहारे जो है खेत में पानी लिया जाता है। ये जो होता है, ये मक्का खेती में ये जो होता है, इसके सहारे अगर फेस पे लगता है तो फेस पे जो है बहुत ज़्यादा फेस ख़राब भी होने के चांसेस रहता है और चेहरा भी थोड़ा ख़राब हो जाता है। देख सकते जाने में कितना कठिनाई होता है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, देख सकते हैं फेस पर कितना लग रहा है। फिर भी मक्का खेती भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, फिर भी हम लोग करते हैं, तो इसमें थोड़ा कमाई जो है वो ज़्यादा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते रहते आपको दिखाते हैं, अपना खेत पहुँचते हैं, फिर दिखाएंगे आप लोग पानी का व्यू और किस तरह से पटवन होता है वो भी दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आगे का नज़ारा, इतना ज़्यादा। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग पहुँचते हैं खेती जहाँ पे पानी हम लोग गिराए हैं और पानी पटवन करते हैं। चलिए दिखाते हैं, देख सकते हैं किस तरह से मशीन तो आपको दिखावे किए हैं, देख सकते हैं ये पाइप है, इसी के सहारे पानी जाता है, देख सकते हैं। फाइनली गाइस खेत में पाइप को गिरा दिए और पानी पटवन हो रहा है, आपको दिखाते हैं पीछे का दृश्य, दिखाते हैं कहाँ पे पाइप को गिराए हैं और किस तरह से पटवन होता है। देख सकते हैं मक्के पूरे एकदम सूखा गया, पत्ता होता देख सकते हैं पूरे एकदम पानी के बिना हो गया। चलिए बैकग्राउंड के कैमरा से आपको दिखाते हैं पानी गिर रहा है किस तरह से, खेत पटवन हो रहा है। वहाँ देख सकते हैं पानी का आवाज़ आ रहा है, वहीं पे जो है पाइप को गिराया गया है और वहीं से पानी का पटवन हो रहा है, खेत देख सकते हैं। ये पानी मक्का के लिए देख सकते हैं पानी के लिए किस तरह से सूखा गया, सब देख सकते हैं किस तरह से। तो फाइनली गाइज खेत का जो है पटवन हो रहा है, अब तक पानी को छोड़ दिए खेत में, तब तक रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा देर, क्यों गर्मी ज़्यादा है, परेशानी बहुत ज़्यादा हो गया। देख सकते हैं वहाँ पाइप लगा हुआ और उसी के सहारे यहाँ पर पानी गिर रहा है। तो फाइनली गाइज मक्का जो पटवन वो हो गया कम्प्लीट। ये जो मक्का खेती इसमें होने कम संभावना, क्योंकि मक्का बहुत ज़्यादा सूखा गया कुछ प्रॉब्लम के कारण। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले जाए। जय भारत।